तो बिल्कुल यहाँ पे आए सभी दर्शकों का इस टूर्नामेंट के माध्यम से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शानदार मुकाबला शानदार प्रतियोगिता हम इस मैदान के ऊपर देख सकते हैं। एमके ट्रॉफी विसटरा कमाल की आज बिल्कुल प्रतियोगिता एंजॉय की जा रही है हमारे दर्शकों से। और इस टूर्नामेंट के सबसे बड़े हीरो जिन्हें इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइजिंग किया है वो इस मुख्य आयोजक करते यानी कि मानिक शेट काटे और बच्चू शेट काटे, इनके वजह से टूर्नामेंट पूरी तरह दर्शकों को एंजॉय करने मिली है। और यस इस टूर्नामेंट को पूरी तरह मेहनत की है प्रवीण दादा काटे और किरण दादा पाटिल, इनके ओर से इस टूर्नामेंट को चार चांद लगाने का प्रयास किया है। कमाल की टूर्नामेंट सफलता हासिल की इस टूर्नामेंट में, कमाल की टूर्नामेंट। और इस टूर्नामेंट में आए सभी दर्शकों का फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख रहे हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मुकाबला देख पा रहे एक तरफ बिल्कुल शिवांश 11 पेटाली और दूसरी तरफ देखेंगे जय गणेश्वर डांसर। जहां से बात करेंगे तो पेटा टीम ने पिछले मुकाबले में टॉस जीता था और डांसर टीम ने पिछले मुकाबले में टॉस हारा था। यहाँ से दोनों टीम के लिए सही निर्णय और सही यहाँ से बिल्कुल पेटा टीम ने टॉस जीत के गेंदबाजी का निर्णय लिया है और यहाँ से बल्लेबाजी करते हुए डांसर टीम आप देख सकते हैं। चार ओवर का मुकाबला 24 गेंदे एक इनिंग में फेंके जाएंगे। ये दोनों टीम के कप्तान अब बिल्कुल नोन करने है गेंदबाजी के लिए यहाँ से तैयार होते हुए गेंदबाज रुति गेंदबाजी के लिए पहला गेंद शानदार फेंका था यहाँ से चकमा दिया बल्लेबाज को और एक रन मुकम्मल करते हुए बाई के स्वरूप में टीम का अकाउंट ओपन हो चुके एक रन से। यहाँ से बिल्कुल धन से टीम का किशोर और डोनाल्ड पोर्जी इस बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक के ऊपर डोनर देख सकते हैं और नॉन स्ट्राइक के ऊपर किशोर गेंदबाजी के लिए बिल्कुल ऋतिक किस तरह गेंदे फेंकेंगे सर्कल का ओवर है और इस ओवर में सबसे ज्यादा रन बटोरने का प्रयास करेंगे। ये देखिए कमाल का स्ट्रोक कमाल की दिशा गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए कमाल का स्ट्रोक। तो बिल्कुल पूरी तरह इरादा स्पष्ट किया है इस बल्लेबाज ने पिछले मुकाबले में शानदार साझेदारी बनाई थी यानी कैलाश फोर्जी के बेहतर इस बल्लेबाज ने भी साझेदारी बनाई थी और इस मुकाबले में भी उसी तरह इरादा स्पष्ट किया है। पहले गेंद के ऊपर इस वक्त पहले गेंद के बच्चों का अकाउंट ओपन किया इस बल्लेबाज ने चौके से और टीम का स्कोर देखेंगे 5 रन स्कोर का के ऊपर पूरी तरह सल्ला मसला करते हुए इस वक्त बिल्कुल हेमंत केने इस गेंदबाज ऋतिक का तीसरा गेंद मुकाबल ये देखिए बढ़िया स्ट्रोक के लिए प्रयास हेमंत केनी गेंद के नीचे फोर्स नहीं पाए यहां से एक रन मुकाबल दूसरी रन मुकाबल दो रनों का इजाफा हुआ दो से बढ़ता कुछ नहीं है और दो से बढ़ता टीम का स्कोर देखेंगे 7 रन स्कोर का के ऊपर लग चुके हैं। स्ट्राइक के ऊपर हम देख सकते हैं डोनाल्ड फोर्जी को कमाल की बल्लेबाजी करे इस मैदान के अंदर सर्कल का ओवर फेंक रहे सबसे महत्वपूर्ण ओवर इस वक्त फेंक रहे ऋतिक और बिल्कुल फेटा टीम की ओर से फुटवर का इस्तेमाल किया था यहां से हेमंत के ने यहां से बल्लेबाज बाहर तो बिल्कुल टोनल मैदान से बाहर जाने के बाद इस वक्त बल्लेबाजी के लिए कैलाश फोर्जी मैदान के अंदर आ चुके हैं। टीम का स्कोर देखेंगे स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है 7 रन एक विकेट का पतंग हो चुका है इनके एक विकेट जिसने पिछले मुकाबले शानदार बारी कर दी और बल्लेबाज मैदान से बाहर और कैलाश फोर्जी मैदान के अंदर। स्ट्राइक के ऊपर बात करेंगे किशोर बल्लेबाजी के लिए उन्हें अभी तक अकाउंट ओपन नहीं कर चुके हैं। गेंदबाजी के लिए ऋतिक कमल की गेंदबाजी 4 गेंदे 7 रन और एक बड़ी सफलता हासिल की है। ये देखिए फिर से एक बार शॉट ऑफ गेंद गलती की है बल्लेबाज ने और एक विकेट कमाल की गेंदबाजी 2 गेंद 2 विकेट। Yeah.
कमाल की गेंदबाजी ईश्वर ऋतिक की ओर से। पहले गेंद विकेट रन, उसके बाद दूसरी गेंद चौका डाला था बल्लेबाज डोनल ने। उसके बाद कमबैक किस तरह करना है वो सही उत्तर देते हुए जिस तरह टॉस जीत के गेंदबाजी का निर्णय लिया था, जो जालर बिल्कुल फैलाया था इस तालाब में और जाले में हर एक मछली फंसती हुई डांसर टीम के हम देख सकते हैं। कैलाश पोर जी और राहुल बल्लेबाजी के लिए इन दो बल्लेबाजों के ऊपर पूरी अपेक्षा होगी और पूरी निगाह इन दो बल्लेबाज के ऊपर होगी डांसर टीम की और निगाह जम के रखेंगे क्या कैलाश पोर जी, ये देखने यहाँ से काफी जरूरी होगा। टीम का स्कोर देखेंगे, 7 रन स्कोर गार्ड के ऊपर लग चुके हैं। बड़ा स्ट्रोक फैलने का प्रयास, कमाल की गेंदबाजी हो रही है, पड़ने के बाद उछाल टेक ओवर होते भी उसका नतीजा देखेंगे। डॉट गेंद की समाप्ति और की समाप्ति होते भी पहले ओवर में 7 रन और 2 बड़ी सफलता हासिल की है कमाल की गेंदबाजी। और डीजे हेमंत केने गेंदबाजी के लिए बिल्कुल स्ट्राइक के ऊपर देख सकते हैं बल्लेबाजी के लिए राहुल का। टीम का स्कोर 7 रन लॉस्ट फॉर 2 विकेट। दो बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुके हैं डांसर टीम के, उसके बावजूद भी कैलाश फोर्जी मैदान के अंदर है। पूरी आशा इस कैलाश के ऊपर होगी और किस तरह बल्लेबाजी करेंगे ये देखना काफी जरूरी होगा। गेंदबाजी के लिए हेमंत केने, ये देखिए बढ़िया स्ट्रोक खेलने का प्रयास, विकेट के थ्रो में बल्लेबाज यहां से डग आउट में। खासी अनुभव इस खिलाड़ी के ऊपर बिल्कुल हेमंत केने, कमाल की गेंदबाजी, पहले गेंद के ऊपर सफलता हासिल की है, ये अनुभव का पूरा प्रयास है और अभ्यास है क्रिकेट का। और हेमंत केने इस मैदान के अंदर दिखाते हुए नए बल्लेबाज मैदान के अंदर तुषार बल्लेबाजी के लिए, ये देखिए बढ़िया स्ट्रोक खेलने का प्रयास है और यहाँ से गेंद को हल्के हाथ से खेला है और जब तक यहाँ से बल्लेबाज खिलाड़ी पहुंचे तब तक 1 रन मुकाबल करते हुए और टीम का स्कोर देखेंगे 8 रन स्कोर के ऊपर और स्ट्राइक रूटेड हुए स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी के लिए। इस वक्त कैलाश पोर जी इस बल्लेबाज के नाम से इस टीम को जाना जाता है और खिलाड़ी अभी तक मैदान के अंदर है। पूरी आशा इस खिलाड़ी के ऊपर जमी है और आशा के ऊपर पानी फेरेगा या आशा की किरण इस नागसर के मैदान के अंदर ले रहेगा, ये देखना यहाँ से काफी जरूरी होगा। गेंदबाजी के लिए बिल्कुल हेमंत केने, ये देखिए शानदार गेंद, हल्के से गेंद को खेला, 1 रन कंप्लीट, यहाँ से दूसरे रन की मांग है और शानदार रन दे बैटिंग विकेट, 2 रन यहाँ से पूरे किए हैं। 2 रन का इजाफा तो हुआ, 2 रन से बढ़ता हुआ टीम का स्कोर देखेंगे तो बिल्कुल 10 रन स्कोर का के ऊपर लग चुके हैं, यानी कि 9 गेंदे गुजर चुके हैं 10 रन स्कोर का के ऊपर और 3 विकेट मैदान से बाहर जा चुके हैं और डांसर टीम के। इससे पता चलता है कितनी कुकार गेंदबाजी हो रही है इस फिटा टीम के ओर से, खासकर ऋतिक उसके बाद हेमंत केने के ओर से कमाल की गेंदबाजी। 24 गेंदों का मुकाबला है, अगर यहाँ से बिल्कुल डांसर टीम को जीतना है तो 40 या 45 रन का टारगेट रखना काफी जरूरी होगा फिटर के सामने। 1 रन का इजाफा, इक्का दुक्का से यहाँ से साझेदारी बनना जानते हैं इस वक्त कैलाश पोर जी, वो वही करते हुए टीम का स्कोर देखेंगे 11 रन स्कोर का के ऊपर। फिर से एक बार स्ट्राइक रूटेड हुए स्ट्राइक के बल्लेबाजी की बात करेंगे तो तुषार बल्लेबाजी के लिए कमाल की गेंदबाजी हेमंत केन के ओर से, 4 गेंदे 4 रन और एक बड़ी सफलता। जल्दबाजी कीजिए बिल्कुल, यहाँ से जल्द से मुकाबला चालू कीजिए। तो बेको अगली गेंद यहाँ से, ये देखिए बेकोला टीम स्कोर में गेंद को ढकेल दिया है क्या से, 1 ही रन, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। टीम का स्कोर देखेंगे 12 रन स्कोर का के ऊपर,
और अभी तक का इस ओवर का आखिरी गेंद पर बाकी होगा बिल्कुल हेमंत केनी का से कमाल की गेंदबाजी हो रही है। जिस तरह गेंदबाजी की थी पहला पियोन का यानी कि सर्कल का और फेंका था ऋतिक ने 7 रन खर्च किया था, उसके बाद किस तरह गेंदबाजी करनी है ये जानते थे हेमंत केनी और उसी तरह गेंदबाजी करते हुए कमाल की गेंदबाजी 12 रन स्कोर के ऊपर कैलाश पोत स्ट्राइक के ऊपर बड़ा स्ट्रोक के लिए प्रयास कैप सिलेक्शन गेंद वन टू टॉप ऑफ हाउस 4 रन के लिए। तो 12 गेंदे मुकाम बल्ले होने के बाद टीम का स्कोर देखेंगे 16 रन यानी कि हर ओवर में 8 के सदस्य से रन बटोर चुके हैं। इस वक्त दान से टीम अभी तक 12 गेंदे और जो यहाँ से बात करके कितने रन बटोर पाएंगे स्ट्राइक के ऊपर तुषार बल्लेबाज के लिए और नॉन स्ट्राइक के ऊपर भेकू कैलाश फोर जी और गेंदबाजी का माहौल संभालते हुए अजय को हम देख सकते हैं बड़ा स्ट्रोक के लिए प्रयास कमाल की गेंदबाजी हो रही है। जाते किस तरह गेंद फेंकने इस मैदान के ऊपर और सब उसी तरह गेंदबाजी करते हुए विजय काडे साहेबांना आणि मुकुंद पाडे साहेब विनंती असेल या मंचावरती आपल्या या स्पर्धेच्या माध्यमातून लाख लाख आभार असेल। विजय पाडे आणि मुकुंद काडे साहेब विनंती असेल या मंचावरती आपलं सहर्ष स्वागत केलं जाईल। या से रिवर्स का प्रयास किया था यानी कि दो धारी तलवार है लगी तो आबादी नहीं तो बर्बादी। अच्छे अच्छे बल्लेबाज को बर्बाद करके रखा स्ट्रोक ने वही स्ट्रोक आजमाया था तुषार ने। नतीजा देखेंगे डॉट गेंद की समाप्ति 2 गेंद फेंके अजय ने और यहाँ से 2 डॉट गेंद फेंकने काम हो चुके कमाल की गेंदबाजी। टीम का स्कोर देखेंगे 16 रन स्कोर गा के ऊपर और 3 यहाँ से बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुके हैं धान से टीम के गेम बनने के बाद A1 कॉडिसा ब्रांडेड छक्का like 22 रन स्कोर गार्ड के ऊपर लग चुके हैं तुषार के बल्ले से ये छक्का देख सकते हैं जिसको 2 गेंद शांत रखा था उसके बाद 3रे गेंद के वो पड़े और सही तरह छक्का इसे एक बार कमाल की गेंदबाजी और यहां से बल्लेबाज आउट। भाई रन स्कोर कहा के ऊपर 4 बल्लेबाज डगआउट में धानसर टीम के और गेंदबाजी के लिए अजय जिन्होंने पहले 2 गेंद डॉट उसके बाद 3रे गेंद के ऊपर यकीन छक्का दोहराया था बल्लेबाज तुषार ने उसी तुषार को 4थे गेंद के ऊपर मैदान से बाहर ढकेला। इस गेंदबाज ने कमाल की गेंदबाजी हो रही है और कमाल का क्रिकेट दोनों टीम की ओर से नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर है सुयोग और नॉन स्ट्राइक के ऊपर जो अभी तक है वो कैलाश फोर जी को नॉन स्ट्राइक के ऊपर रखा है कमाल की गेंदबाजी। ये देखिए बढ़िया स्ट्रोक के लिए प्रयास कैंप से इलेक्शन किया था गेंद यहां से बोलने के बाद 4 रन के लिए हेलो 26 रन स्कोर गा के ऊपर लग चुके हैं और अभी तक बात करेंगे इस ओवर का आखिरी गेंद फेंकना बाकी है 4 ओवर का मुकाबला है 24 गेंदों में भी एक बात की जाए तो यहाँ से कब कम से कम ये बिल्कुल
35 या 40 रन का टारगेट सेट करना यहाँ से काफी जरूरी होगा धनसर टीम को। पेटर टीम में और खूबी है और क्षमता है, बड़े बड़े टारगेट को चेस किया इस पेटर टीम ने और हर एक मैदान के ऊपर इतिहास बना के आई है वही पेटर टीम इस वक्त गेंदबाजी के लिए। बड़ा स्ट्रोक यहाँ से गेंद हवा में, खिलाड़ी तैनात है, यहाँ से बिल्कुल कैच को गवा दिया है। एक रन मुकामल की एक रन सभी को और किस समाधि होती भी क्योंकि टीम का स्कोर देखेंगे 18 गेंदे गुजरने के बाद यहां से टीम का स्कोर बन चुका है 27 रन, अभी भी 6 गेंदे और डूडी से। पहला और ऋतिक ने 7 रन, उसके बाद दूसरा और हेमंत केनी ने 9 रन, उसके बाद तीसरा और अजय ने 11 रन और चौथा और प्रतिमेश कितने रन बना पाएंगे इस वक्त मैदान के ऊपर। धनसर टीम स्ट्राइक के ऊपर है, सुयोग और नॉन स्ट्राइक के ऊपर है। बिल्कुल हम देख सकते हैं कैलाश फोरजी जिन्होंने अभी तक सिर्फ 3 गेंद के लिए और 7 रन का योगदान देके अभी तक नॉन स्ट्राइक के ऊपर है, उनको स्ट्राइक देना यहाँ से काफी जरूरी होगा धनसर टीम के लिए। गेंदबाजी के लिए इस वक्त प्रथमेश किस तरह 6 गेंदे फेंके जाएंगे और कितने रन खर्च कर पाएंगे इस ओवर में देखने यहाँ से काफी जरूरी होगा। 18 गेंदे बन चुके 27 रन, बड़ा स्ट्रोक के लिए प्रयास, खिलाड़ी बिल्कुल नहीं पहुंचे, वन टप बाउंस गेंद चार रन के लिए। पूरी तरह इरादा स्पष्ट किया इस खिलाड़ी ने इस ओवर में 15 या 20 रन बनाने हमें और उसी बिल्कुल रास्ते पे चलते हुए इस बल्लेबाज को हम देख सकते हैं। पहले गेंद के बचा हुआ टीम का स्कोर बन चुका है 31 रन, लॉस्ट ऑफ बिल्कुल 4 विकेट, 4 बल्लेबाज मैदान से बाहर धनसर टीम के। 31 रन स्कोर के ऊपर अभी भी 5 गेंदे, 5 गेंद में करीबन 15 रन बटे थे, यह से बड़ा टारगेट माना जाएगा 24 गेंद के ऊपर। फिर एक बार तैयार गेंदबाज प्रतिमेश, ये देखिए प्रेशर प्रेशर और प्रेशर से गेंदबाजी कर रही है, प्रेशर को यहाँ से साइड में हटा के नेचुरल क्रिकेट खेलना होगा इस मैदान के अंदर। अगर आपको गेंदबाजी सही करनी है तो यहाँ से बिल्कुल सही लेन से गेंदबाजी करना काफी जरूरी होगा। एक से बढ़ता हुआ टीम का स्कोर देखेंगे, स्कोर का के ऊपर 32 रन, लॉस्ट ऑफ 4 विकेट। ये देखिए कमाल की गेंद फेंकी थी यहाँ से दिशा दी थर्ड मैन और गेंद देख देखते बॉल नंबर 4 रन के लिए, कमाल की बल्लेबाज जुड़ी है इस बल्लेबाज सुयोग की ओर से। हेलो कमाल की बल्लेबाजी प्रथमेश, इस वक्त प्रेशर इस खिलाड़ी के ऊपर होगा। 2 गेंदे 2 चौके 1 वाइड, कुल मिला के 9 रन खर्च किए 2 गेंद के ऊपर। फुल टॉस गेंद, नतीजा यहाँ से आपके सामने होगा। गेंद देखते देखते बिल्कुल बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। हेलो डीजे, जो बिल्कुल बात करेंगे पहले 12 गेंद के ऊपर यानी कि सिर्फ 16 रन बने थे, उसके बाद इस 12 गेंद में कितने रन बन पाएंगे, अभी तक 40 रन बन चुके हैं। कुल मिला के टारगेट की बात की जाए तो बिल्कुल स्कोर का बात की जाए तो 40 रन स्कोर का के ऊपर।
देखो ला डिजाइन जिस बलि बाद तीखे के पति चौबे लगाए थे और सहयोग मैदान से बाहर स्ट्राइक के ऊपर हम देख सकते हैं इस बल्लेबाजी के लिए देखो ला कैलाश फोर जी जिसको अभी तक नौ स्ट्राइक के ऊपर देखा था स्ट्राइक के ऊपर आ चुके हैं अब क्या करेंगे ये देखिए कमाल की गेंद इस गेंद के ऊपर नंबर बिल्कुल जीरो होगा डॉट गेंद की समाप्त होते हुए और यहाँ से टीम का स्कोर देखेंगे वही रुकता हुआ 40 रन स्कोर का के ऊपर आखिरी गेंद होगा एन किस तरह कर पाएंगे कैलाश फोर जी छक्के से चौबे से यक्के से क्या दुए से या डॉट से देखने का भी जरूरी होगा कैलाश फोर जी स्ट्राइक के ऊपर ये देखिए बढ़िया स्ट्रोक लेवल प्रयास टाइमिंग उतना सही हुआ नहीं है यहाँ से नतीजा 22 में एक रन और यहाँ से बात करेंगे 24 गेंदे मुकाबला होने के बाद टीम का स्कोर बन चुका 41 रन आने वाले 24 गेंदे और जीतने के लिए टारगेट होगा पेटर टीम के लिए 42 रन का काकडवाल विपक्ष उर्वी दोन्ही संघनायक आपल्याला विनंती केली जाते की आपण रंगमंचावरती टॉस विन साठी यायचंय काकडवाल संघात संघनायक आणि उर्वी संघात संघनायक चला आपण टॉस विन साठी यायचंय विचार केला तर 24 चेंडूवरती इथे धावा जमावे लागतील पेटलीस संघाला तब्बल 42 याचा पुढचा नक्कीच धावतो फलत उदाहरण आपण वेग गोपीच्या माध्यमातून ऐकू शकाल और टू कंटिन्यू वेग गोपी थैंक यू पंकेश व्हाट अ नाइस कमेंट्री फॉर यू तरीके से एक जबरदस्त विक फाइट सामना आपण पाहतोय या मैदानावरती पेटल विपक्ष धनसरच्या माध्यमातून एक सातत्याने अनेक मैदानावरती अनेक मैदान गाजवत असताना या संघाने आपण पाहत असतो अनेक टूर्नामेंट गाजवत असताना मात्र या टूर्नामेंट मध्ये सुद्धा आपण पाहतोय एमकेके ट्रॉफी 2018 चे पर्व अप्रतिम स्पर्धा या ठिकाणी डोळ्याचा पान सरणारा हा सोला याचे देही याचे डोला असा हा सोला या ठिकाणी आपण पाहतोय आणि या स्पर्धेमध्ये बिग फाइट सामना या ठिकाणी या स्पर्धेचा आपण पाहतोय पहिली इनिंग आपण पहिले निश्चितच धनसर संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 41 धावसंख्या धाव फलकावरती आपण पाहतो 42 धावांचं टार्गेट असणार आहे पेटलीस संघासाठी टीम मीटिंग आपण करू नका आपल्याकडे वेल कमी आहे त्यामुळे लवकरात लवकर आपण बॅट्समन लगेच या पुढचा होणारा सामना प्रत्येक 11 काकडवर विपक्ष नितीश पोट उलवे तर दोन्ही संघांच्या संघटनेकडे विनंती आहे की आपण नाणेफेकीसाठी यायचंय सलवी चबीर या मैदानावरती उतरताना आपण पाहतो पेटलीस संघाच्या त्या निश्चितच क्षेत्ररक्षण साकारून घ्यायचंय विनंती असेल आपण कारण वेळ आपल्याकडे खूप कमी आहे अनेक सामने आपल्याला खेळवायचे आहेत तर पंचाच्या भूमिकेत आपण पाहणार आहोत त्या नितलस एक अनुभवी पंच एक उत्कृष्ट खेळाडू म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं आणि एक पंचांची भूमिका मध्ये सातत्याने आपण अनेक टुर्नामेंट मध्ये ज्यांना पाहतो रवी काटे त्याने उपपंच आपण पाहतो या ठिकाणी नामदेव काटे एक उत्कृष्ट पंचांची भूमिका या ठिकाणी या स्पर्धेमध्ये पार पडत असताना आपण पाहतोय दोन सलामीचे वीर या ठिकाणी उतरताना या मैदानावरती एक चांगलं क्रिकेट दाखवत असताना तिथे नाणेफेकीच्या कॉल मध्ये काकडबॉल टॉस विन ठरतोय
चला लवकर लवकर अपने सामना सुरू करायचा आहे। तो पहिला गोलंदाज या ठिकाणी येतोय, पहिले शतक घेऊन कैलास जो गोलंदाजच्या मार्गवरती आपल्या संघाचं आपलं वर्चस्व गाठवण्यासाठी आणि आपल्या सर्व आपल्या संघाचं पाठीराखे राखण्यासाठी या ठिकाणी आपण पहिले शतक घेऊन येतोय कैलास। शायकडवरती सलाबीची विरे ठिकाणी उतरताना आपण पाहिलं हेमंत पहिल्या चेंडूवरती बिग फायर केला जातोय, चेंडू जातोय सीमा पलीकडे, कडकडीत षटकार। चेतनचं वाघाची डरकली फोडली आहे फलंदाजाने, हेमंत याने पुन्हा एकदा फलंदाज स्थापला केलाय, चेंडू पुन्हा एकदा अदरोप सीमा पलीकडे, साधावांसाठी शकार। पहिल्या चेंडूवरती जो प्रहार केला होता हेमंत तो चेंडू सीमाच्या पलीकडे आला आणि निश्चितच जी अवॅक कॅच या ठिकाणी घेतली अक्षय काटे यांनी, तर अक्षय काटे यांना एक प्रेक्षक आमच्या कमिटीच्या माध्यमातून त्याला 100 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी आलंय। अक्षय आपण तो कलेक्ट करायचा आहे। पुढे एकदा गोलंदाज साहेब राइडर नोट द विकेट या ठिकाणी पुन्हा एकदा मोठा फटका, मात्र चेंडू हवेमध्ये आहे, चेंडू खाली येण्याच्या लक्षात निश्चितचा चुकी करतोय, झेल या ठिकाणी सोडते, चांगला प्रयत्न केला होता मात्र झेल जमिनीला जाणवते आणि या ठिकाणी जीवनदान मिळतो मात्र हेमंत याला। मात्र धाव संख्या फलकावरती आपण पाहू शकाल 14। चौथा धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय, एक चांगला क्रिकेट आणि चांगल्या क्रिकेटचा दर्जा या ठिकाणी आपण पाहतोय। हेमंतच्या माध्यमातून सातत्याने एक चांगलं क्रिकेट या ठिकाणी दाखवून दिलंय, अप्रतिम बॅटिंग हेमंतच्या माध्यमातून आपण पाहतोय। लगातार ज्याला बॅक टू बॅक दोन षटकार मारले आणि आपल्या संघाचा धावसंख्येचा जर विचार केला तर धावसंख्या पोहोचून ठेवली ती 14 घरामध्ये। मात्र गोलंदाज प्रेशर मध्ये असताना आपण या ठिकाणी आपण पाहतोय गोलंदाज कैलास आता मात्र बॅटची कडा या ठिकाणी घेतली, एक धाव या ठिकाणी मिळणार, स्ट्राईक रोटेट केली जाते मात्र स्ट्राईक दिली जाते या ठिकाणी आपण पाहू शकाल राजेश याला। ज्या पद्धतीची बॅटिंग हेमंतच्या माध्यमातून आपण पाहतो त्याच पद्धतीची बॅटिंग फलंदाज या ठिकाणी राजेश करेल का, हा एक प्रश्न प्रेक्षकांसाठी असेल, कारण सलामीची वेर या मैदानावरती उतरले होते म्हणजे आपल्या संघाचं वर्चस्व आणि आपल्या संघाचं एक प्रतिनिधित्व करण्यासाठी या मैदानावरती उतरताना आपण पाहतोय। स्ट्रायकरवरती राजेश फंसांवर अपील या ठिकाणी केली जाते, बॅटकट या ठिकाणी आपल्याला पाहतो मध्ये एक धाव या ठिकाणी मिळते आणि एका धावेच्या मदतीने धाव संख्या 16 धावा धाव फलकावरती आपण पाहतोय। एक शतक समाप्त, कैलाशच्या माध्यमातून आपण पहिले 16 धावा खर्च केल्या आणि पेटाली संघाची धाव संख्या आपण पाहतोय 16। डीजे रह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। मतलब या मैदानावरती खेल कशा प्रकारचा होईल, कारण एक शतक या ठिकाणी समाप्त झाले, 16 धावा धाव फलकावरती लागलेत, उर्वरित 3 शतक बाकी आहेत आणि 3 षटकांमध्ये या ठिकाणी सव्वीस धावांची गरज, म्हणजे 18 चेंडू आणि 26 धावांची आवश्यकता या ठिकाणी आपण पाहतोय। समीकरण या ठिकाणी या दोन्ही संघांचं आपण पाहतोय, पेटल विपक्ष थन्सर एक बिग फाइट सामना या ठिकाणी आपण पाहतोय। प्रेक्षकांचं मन जिंकणारा सामना लाईव्हच्या माध्यमातून घर बसल्या थेट प्रक्षेपण पाहत असणाऱ्या सर्व क्रिकेट रसिकांचा पुन्हा एकदा या टुर्नामेंटच्या माध्यमातून तमाम दर्शकांचं मान्यवरांचं या टुर्नामेंटच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत। आपण पाहू शकाल
जिथे एक धावे ठिकाणी बाईकच्या माध्यमातून एक धावे ठिकाणी प्राप्त केली जाते, स्ट्राइक रोटेट केली जाते, मध्ये स्ट्राइक दिली जाते हेमंत याला, ज्याने पहिल्याच दोन चेंडू मध्ये बॅक टू बॅक दोन षटकार लगावले होते। तोच हेमंत पुन्हा एकदा स्ट्राइकर वरती येतोय, पुन्हा एकदा तोच आकार घेणार का, पुन्हा तशाच प्रकारचे फटके या ठिकाणी पाहायला मिळतात का। आता मात्र प्रेक्षक आतुरलेले आहेत, हेमंत पुन्हा एकदा स्ट्राइकर वरती। गोलंदाज तयार, पुन्हा एकदा दिशा देण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र बॅट आणि चेंडू मध्ये संपर्क फारसा झालाच नाहीये आणि त्यामुळे निर्धाव चेंडू जी सांगता कोणत्या प्रकारची धाव येणार नाहीये। धावसंख्या स्थिर 17 धावा धावफलकावरती आपण पाहू शकाल, 17 धावा धावफलकावरती क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी सजवत असताना धनसर संघ मतलब फेटली संघाचा हिमन सेकंड वरती हा चेंडूला सन्मान देत असताना या ठिकाणी आपण पाहतोय। एक धाव या ठिकाणी स्ट्राइक रोटेट केली जाते, मात्र स्ट्राइक दिली देतोय राजेश याला। पुन्हा एकदा आपल्या संघाचे चान्स या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय। राजेश पुन्हा एकदा स्ट्राइकर वरती येत असताना आपल्या संघासाठी कशा प्रकारे नेतृत्व करतो हे पण पडणार, मात्र गोलंदाजचा दुसरे शतक मार्गस्थ असताना या ठिकाणी डोनाल्ड हा चेंडू आपण पाहू शकाल, सरक चेंडूची फिकी केली होती या ठिकाणी आपण पाहू शकाल, मात्र एक धाव या ठिकाणी पुन्हा एकदा मिळणार, त्याच पद्धतीने चोटी धाव या ठिकाणी प्राप्त केली जाते आणि 18 धावा धावफलकावरती आपण पाहू शकतोय। 19 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय, दुसरं शतक मार्गस्थ 19 धावा धावफलकावरती। पुन्हा एकदा हिमंत स्ट्राइकर वरती असताना या ठिकाणी पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची सांगता होत्या, वेगळ्या पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न या फलंदाजाचा आहे, मात्र बॅट आणि चेंडू मध्ये संपर्क होत नाहीये। थोडीच्या दुसऱ्या षटकाची आपण जर धावसंख्या पाहिली तर टोटल 4 धावा या ठिकाणी डोनाच्या षटकामध्ये आपण पाहतोय। टोटल धावसंख्या जर आपण संघाची पाहिली तर 20 धावसंख्या धावफलकावरती पाहतोय, 2 शतक समाप्त, उर्वरित 2 शतक म्हणजे 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 22 धावांची आवश्यकता। पिक्चर आ रही है ना, कौन से बॉडीगार्ड, उसका टाइटल सॉन्ग एकदम फाड़ू है। अच्छा हीरो कौन है उसका? तेरी अरे मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। दरबाटीचे 2 शतक या ठिकाणी समाप्त, 2 शतकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावसंख्या 20। तर निश्चितच व्यासपीठावरती या ठिकाणी बुरुजगावचे एक उत्कृष्ट व्यक्तिमत्व सन्माननीय प्रवीण पाटील या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं सुद्धा आमच्या टुर्नामेंटच्या वतीनं त्यांचं सहर्ष स्वागत करतो। या ठिकाणी आपण पाहू शकाल सुरेख चेंडूची फिकी या ठिकाणी करतोय गोलंदाज,
तिसरे शतक तुषारच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. निर्धाव चेंडूची संख्या क्रिकेट मधला सगळ्यात घातक चेंडू डॉट चेंडू या ठिकाणी निर्धाव चेंडू काढण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी निश्चितच या तुषारच्या माध्यमातून आपण पाहतो. मात्र स्ट्रायकर वरती फलंदाज हिम्मत ज्या पद्धतीने पहिल्या षटकामध्ये त्याची बॅट ज्या पद्धतीने तळपली होती त्या पद्धतीची बॅट तळपणं गरजेचं आहे. कारण धावसंख्या या ठिकाणी आपण पाहतोय 20 आणि उर्वरित 11 चेंडू आणि 22 धावांची आवश्यकता. आता मात्र फलंदाज थांबणार नाही, मोठा फ्रार करतोय. मात्र तेवढ्याच तकतीर आणि तेवढ्याच चपलाई नक्षत्र रक्षक जज करतोय चेंडू वरती. चेंडू येणार फेकणार तोपर्यंत निश्चितच फलंदाज या ठिकाणी बाद होतोय. तिसरे शतक मार्गी तुषारच्या माध्यमातून ज्याला पहिला चेंडू डॉट फेकला आणि दुसऱ्या चेंडूवरती एक उत्कृष्ट विकेट ज्याला प्राप्त केलाय. या ठिकाणी आपण पाहतोय हेमंत सारखं बलाढ्य फलंदाज या ठिकाणी बाद होतोय ज्याने पहिल्या षटकामध्ये बॅक टू बॅक दोन षटकार लगावले होते आणि आमच्या प्रेक्षकांची मनं जिंकली होती आणि आपल्या संघासाठी सुद्धा एक पटबल राखण्याचा प्रयत्न त्यांचा होता. मात्र प्रावलिंग मध्ये लुटावं लागतं. नवीन फलंदाज या ठिकाणी मैदानावरती जात असताना परीक्षा माध्यमातून आपण पाहणार कशा प्रकारची धमाकेदार फलंदाज या ठिकाणी करतोय. कारण एंट्री त्या पद्धतीने त्याच पद्धतीची याची फलंदाज आहे का हे निश्चितच आपण पाहणार आहोत. तुषार गोलंदाजीच्या मार्गवरती आणि स्ट्रायकरवर असणारे फलंदाज परेश क्षेत्ररक्षण सजवत असताना या ठिकाणी आपण पाहतोय डान्सर संघ क्षेत्ररक्षणामध्ये परिवर्तन या ठिकाणी असताना गोलंदाज तयार तुषार पुन्हा एकदा. हा चेंडू आपण पाहू शकाल 95 फिका फील आणि निश्चितच फलंदाज बाद परीक्षा पारिता. तिसरा शतक मार्गीस्त आहे तुषारच्या माध्यमातून आपण पाहतो बॅक टू बॅक दोन विकेट प्राप्त. तुषार सारखा गोलंदाज एक जबरदस्त फेकी आक्रमक फेकी एक ब्रह्मास्त्र फेकत असताना या ठिकाणी तुषारच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. मात्र त्याच पद्धतीनं स्ट्रायकर वरती फलंदाज या ठिकाणी नवीन जाणार आपण पाहणार ऋतिकच्या माध्यमातून नवीन फलंदाज या ठिकाणी जात असताना. मात्र खेळपट्टीवरती राजेश आणि ऋतिकची बॉन्डिंग या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत. आता गोलंदाज तुषार पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षण असताना या ठिकाणी दंस संघाचे सर्व प्लेयर्स पुढे एकदा गोलंदाज तयार. या ठिकाणी फलंदाज संभाळताय मोठा फ्लॅट चेंडू जातोय सीमा पलीकडे बंदुकीच्या गोळीतून सुसाट वेगानं सीमा पलीकडे बिगे शका. एक बिग षटकार एक बिग प्रहार करत असताना निश्चितच आपण पाहिलं ऋतिक नवीन फलंदाज मैदानावरती उतरला आणि आपल्या खात या ठिकाणी वैयक्तिक खात या ठिकाणी ओपन केलं. ऋतिक यानं एक बिग षटकार एक चांगला प्रहार करत असताना तुषार वरती मात करत असताना या ठिकाणी आपण पाहतोय ऋतिक पुन्हा एकदा त्या दिशेने पुन्हा एकदा बिग फार. मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात आहे कोणत्या प्रकारची चुकी नाही फलंदाज बाद होतोय ऋतिकच्या पारीचा. Everybody here.
तिसरे षटक मार्गी असताना उर्वरित एक चेंडू बाकी आहे तिसऱ्या षटकातील तुषार त्याच्या माध्यमातून आपण पाहतोय ज्याने आपल्या षटकामध्ये तीन विकेट प्राप्त केले एक उत्कृष्ट आक्रमक गोलंदाजी या तुषारच्या माध्यमातून आपण पाहतोय या फलंदाजांना बांधून ठेवले रोखून ठेवलंय या तुषार या गोलंदाजानं एक आपल्या संघासाठी एक महत्वपूर्ण ठरणारा हा गोलंदाज या ठिकाणी आपण पाहतोय तुषारच्या माध्यमातून मात्र ते प्रयत्न केले जातात त्या फलंदाजांच्या माध्यमातून मोठे फटके खेळण्याचा मात्र कुठेतरी अपयश या ठिकाणी प्राप्त होतोय या ठिकाणी आपण पाहू शकाल गोलंदाजी सुरेख गोलंदाजी निश्चितच तुषारच्या माध्यमातून आपण पाहतो मात्र रोटेट केली जाते स्ट्राईक एक धाव या ठिकाणी प्राप्त केली जाते आणि धावसंख्या आपण पाहतोय 29 धावसंख्या उर्वरित 6 चेंडू उर्वरित अंतिम शतक आणि 6 चेंडू मध्ये 14 धावांची आवश्यकता दरवाडी जे उर्वरित सहा चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 14 धावांची आवश्यकता धावसंख्या टोटल आपण पाहू शकाल या स्कोरबोर्ड वरती 28 धावसंख्या धाव फलकावरती आपण पाहतोय सहा चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 14 धावांची आवश्यकता या ठिकाणी आपण पाहतोय सहा चेंडू 14 धावा एक सुंदर असं समीकरण या ठिकाणी आपण पाहतोय उन्हाचा वातावरण आणि या डोंगराच्या कुशीत बसलेले हे नागझरी गाव आणि नागझरी गावची टुर्नामेंट या ठिकाणी एमके ट्रॉफी 2018 पर्व या ठिकाणी आपण पाहतोय अनेक मान्यवरांची व्हिजिट या टुर्नामेंटला येते अनेक मान्यवरांचे डोनेशन सुद्धा या टुर्नामेंटला पाठबल या टुर्नामेंट साठी आहे आणि तेवढ्याच श्रम आणि तेवढ्याच पाठबलीनं प्रवीण दादा काटे आणि किरण पाटील व त्यांच्या सर्व टीम व मुख्य आयोजक मणिक्षेत्र काटे यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित करण्यात आली आहे या ठिकाणी मोठा फटका लगाच्या दिशेने चेंडू मात्र क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे चुकी करणार नाही छेल घेतोय फलंदाज बा धन्यवाद टीचे अंतिम शतक या ठिकाणी मार्गस्थ असताना संयोगच्या माध्यमातून आपण पाहतोय ज्याने पहिल्या चेंडूवरती विकेट प्राप्त करत असताना उर्वरित 5 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी या ठिकाणी 14 धावांची आवश्यकता असणार आहे निश्चितच मी मगाशी म्हटलं की या स्पर्धेसाठी अनेक मान्यवरांचा पाठबल आहे अनेक मान्यवरांचं डोनेशन या ठिकाणी प्राप्त होते पाहू शकाल बॅटाने चेंडूमध्ये संपर्क होत नाही निर्धाव चेंडूची संख्या होती अनेक मान्यवरांचं पाठबल आणि अनेक मान्यवरांचं डोनेशन आहे त्याच पद्धतीने आमच्या व्यासपीठावरती एक उत्कृष्ट व्यक्तिमत्व या ठिकाणी उपस्थित आहेत सन्माननीय प्रवीण पाटील साहेब त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी 5000 रुपयाचं डोनेशन आलंय तर या स्पर्धेच्या माध्यमातून एमके ट्रॉफी 2018 माध्यमातून आपलं सहर्ष स्वागत आणि आपले मनापासून आभार व्यक्त करतो की आपल्यासारखे व्यक्तिमत्व आहेत म्हणून अशी स्पर्धा आणि असे उपक्रम आपण राबवू शकतो 4 चेंडू 14 धावा या ठिकाणी आपण पाहू शकतो चेंडूला दिशा देण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे मात्र चेंडू जाणार पुन्हा एकदा सीम आपल्याकडे चिरून जातोय फाडून जातोय 4 धावांसाठी चौका उर्वरित 3 चेंडू आणि 3 चेंडू मध्ये जिंकण्यासाठी 10 धावांची आवश्यकता आता मात्र समीकरण खूपच चेंज या ठिकाणी आपण पाहू शकाल निश्चितच स्पर्धकांच्या आणि प्रेक्षकांच्या
हृदयाचे ठोके वाढत असताना तीन चेंडू आणि दादावांची आवश्यकता. आता मात्र मोठा फटका खेळतोय, चेंडू हवेमध्ये आहे, मात्र खाली क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, तेवढ्या तक्तीने तेवढ्या चपलाईने धावत येतोय आणि पुन्हा एकदा फलंदाज बाद होतोय. आता मात्र दोन चेंडू आणि दहा धावांची आवश्यकता असणार आहे संघासाठी. कशा प्रकारे दहा धावांची प्राप्ती या ठिकाणी होते का, कोणता संघ जिंकतो हे आपण पाहणार आहोत. मात्र अंतिम क्षणापर्यंत आपल्याला थांबावं लागणार आहे, कारण उर्वरित दोन चेंडू आणि दहा धावांची आवश्यकता या ठिकाणी. क्षेत्ररक्षणामध्ये परिवर्तन असताना या ठिकाणी धनसर संघ आपण पाहतोय, बिग अँड टाइट क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी आपण पाहतोय. गोलंदाज आपण जर विचार केला, संयोग सारखं गोलंदाज ज्यांना या फलंदाजांना बांधून ठेवलं होतं, रोखून ठेवलंय, मात्र नवीन फलंदाजा ठिकाणी प्रथमेशच्या माध्यमातून आपण पाहतो गोलंदाज तयार. राईट हॅन्ड होतो विकेट, हा चेंडू बॅट आणि चेंडू मध्ये संपर्क होत नाही, निताव चेंडूची सांगता होते. आता मात्र एक चेंडू आणि जिंकण्यासाठी दहा धावांची आवश्यकता, एक चेंडू दहा धावांची आवश्यकता या ठिकाणी आपण पाहतोय. जर मागे तो तीन चेंडू शिल्लक असताना जर मोठे फटके केले असते तर निश्चितच ही मॅच त्यांच्या दिशेने वळली असती. मात्र गोलंदाज तयार, पुन्हा एकदा अंतिम चेंडू आणि दहा धावांची आवश्यकता. आता मात्र बिग फहार या फलंदाजाच्या माध्यमातून आपण पाहतोय, मात्र फलंदाज बाद होणार. प्रयत्न चांगला होता निश्चितच, दोन्ही संघांनी खूप चांगल्या पद्धतीने प्रयत्न या ठिकाणी आपण पाहिलं, पण कोणता तरी एक संघ या ठिकाणी जिंकत असतो, हा खेळाचा नियम आहे. त्यामुळे विजयी संघ